आ जाओ, मनी मार्केट का जो थर्ड यूनिट है मॉनेटरी पॉलिसी, उसको करते हैं रिवीजन। मॉनेटरी पॉलिसी में पहले तो देखेंगे मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये चैप्टर का ओवरव्यू है, ठीक। फिर उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क में तीन चीज, ऑब्जेक्टिव एनालिटिक्स एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड इंस्ट्रूमेंट। इसका डिटेल यहाँ दिया है कि ऑब्जेक्टिव में क्या क्या देखना है, एनालिटिक्स में क्या क्या देखना है एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या देखना है। वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्ट्रूमेंट भी एनालिटिक्स भी। मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव से तो खास नहीं आना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछता है, थोड़ा ठीक लेवल का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, पढ़े फिर। चलो आ जाओ, आ जाओ। ये रहा पहले मॉनेटरी पॉलिसी। देखो मॉनेटरी पॉलिसी दो शब्द से बना है, एक तो मॉनेटरी, मॉनेटरी का मतलब रिलेटेड टू मनी, दूसरा पॉलिसी। पॉलिसी ना एक स्टेटमेंट है, डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे हम किसी भी पर्पस को अचीव करने के लिए बनाते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता क्या है, मॉनेटरी अथॉरिटी बनाता है कि नहीं, आरबीआई बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी को। क्यों बनाता है? ये तय करने के लिए रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ मनी और उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड इट्स कॉस्ट, है कि नहीं, कि देश में पैसा कितना होना चाहिए, मनी सप्लाई कॉस्ट कितना होना चाहिए, और वो क्या ऑब्जेक्टिव से बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का कारण क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, आउटपुट ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए एंड एम्प्लॉयमेंट। जरा सा एक बात देखो, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है फॉर एग्जाम्पल, इसको कंट्रोल करना जरूरी है, इसी को बोलते हैं प्राइस स्टेबिलिटी, जो कि ये पॉइंट था। तो हम क्या करेंगे, मनी सप्लाई को घटा देंगे। जब देश में पैसा ही ज्यादा नहीं बचेगा, मार्केट में इन सर्कुलेशन मनी ज्यादा नहीं बचेगी, तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो कंजम्पशन कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक प्राइस गिर जाएगी। वैसे ही अगर देश में ग्रोथ को प्रमोट करना हो तो कुछ मत करो, मनी सप्लाई को बढ़ा दो, है कि नहीं। कैसे? मनी सप्लाई को जब बढ़ाओगे तो इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट करेगा, इकोनॉमी में पैसे आ जाएंगे, और उससे होगा क्या कि नए नए बिजनेसेस खुलेंगी, वेंचर खुलेगा, है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट होगा और ग्रोथ को प्रमोट होगा। यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो, ग्रोथ को प्रमोट करना, ग्रोथ का प्रमोट करोगे तो ऑटोमेटिकली आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्शन, दूसरा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ग्रोथ की वजह से। तो ये सारी ऑब्जेक्टिव मनी सप्लाई को रेगुलेट करके आरबीआई अचीव करता है, इंक्रीज या डिक्रीज करके। करने का तरीका क्या है तो वो देखेंगे कि मनी सप्लाई बढ़ाता घटाता कैसे। फिलहाल आप इतना याद रखो कि मॉनेटरी पॉलिसी होता है कि मनी सप्लाई रखना कितना है देश में, और पर्पस क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन रखना। चलो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में तीन चीज पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव एनालिटिक्स एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में देखो, सबसे पहले तो लिखा है ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, कि इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है। तो पहला तो प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि इन्फ्लेशन को मेंटेन रखना है, कम रखना है। दूसरा एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू प्रोडक्टिव सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, कि देश में एडिक्वेट फ्लो बनी रहनी चाहिए मनी की, जो प्रोडक्टिव सेक्टर है तभी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी। और थर्ड पॉइंट वही है कि बैलेंस होना चाहिए प्राइस स्टेबिलिटी में और इकोनॉमिक ग्रोथ में। ज्यादा सप्लाई करोगे तो ग्रोथ तो होगी लेकिन इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा, कम सप्लाई करोगे इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो जाएगा लेकिन ग्रोथ भी कम हो जाएगा। तो एक बैलेंस होनी चाहिए, यही तीन ऑब्जेक्टिव है इंडिया में। वैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या चीज वो इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी ऑब्जेक्टिव, तो ऐसे ही जैसे इंडिया इनकॉर्पोरेट कर रहा है कि नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, एडिक्वेट फ्लो होना चाहिए प्रोडक्टिव सेक्टर में, इंटरेस्ट रेट का मॉडरेट स्ट्रक्चर अभी देखते हैं इसको, ठीक, और इफिशियंट मार्केट होना चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच खरीद करके मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है उसके लिए, ठीक है। मॉडरेट स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट, देखो एक पढ़ेंगे इंटरेस्ट रेट चैनल की, इंटरेस्ट रेट को यूज करके कैसे मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करता है, ठीक, इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई। अब देखो होगा होगा क्या कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर दोगे तो मनी सप्लाई घट जाएगी, इंटरेस्ट रेट कम करोगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। क्यों? इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगा ना, तो लोग लोन कम लेंगे और वहां ग्रोथ हैम्पर होगा। इंटरेस्ट रेट कम कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सस्ता हो जाएगा, लोगों के पास पैसा हो जाएगा, लोन लेने लगेंगे, ग्रोथ तो प्रमोट होगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा वहां पे। तो इसीलिए मॉडरेट रेट, कि ज्यादा भी ना हो इंटरेस्ट रेट, कम भी ना हो, एक ट्रेड ऑफ होगी कंट्री की अवस्था देख के कितना होना चाहिए, इस चीज को ध्यान देके, ठीक। मल्टीपल अदर ऑब्जेक्टिव भी है,
जो आजकल रिसेंट में ये भी ऑब्जेक्टिव को ध्यान देना जरूरी है, ठीक, इक्वली डिजायरेबल इन रिसेंट ईयर, सारे मिलते जुलते ये पॉइंट है। क्या है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, यही होना चाहिए ना मॉनेटरी पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है। दूसरा डेट मैनेजमेंट, कि कंट्री डेट ट्रैप में ना फंस जाए, ज्यादा डेट ना हो जाए वो चीज, और लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट रेट है वो मॉडरेट होना चाहिए, एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। सारे पॉइंट के बारे में आराम से डिटेल में पढ़ेंगे नीचे, ठीक। ऑब्जेक्टिव उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉरी, दूसरा जो पॉइंट है दैट इज एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है, वो चैनल या वो प्रोसेस जिसके थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है कि मनी सप्लाई को रेगुलेट करना, मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करना, वो अचीव करता है। तो इसमें बहुत सारे इसी को बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। इसमें बहुत सारे हम चैनल के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से चैनल को या प्रोसेस को या तरीका को यूज करके, जो मॉनेटरी पॉलिसी में यूज करके मनी सप्लाई को रेगुलेट किया जाता है इकोनॉमी के अंदर, मनी सप्लाई को घटाना बढ़ाना। फॉर एग्जांपल, पहला है इंटरेस्ट रेट चैनल, बताओ। इंटरेस्ट रेट का भी बता दिया हूँ। तब भी आप बताओ, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेके आना, यानी कि मनी सप्लाई को कम करना है। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब कम करना देश में, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। इससे होगा क्या, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। यही लिखा है, रियल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो जाएगा और मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि लोग लोन कम लेने लग जाएंगे, है कि नहीं। दूसरा एक्सपांशनरी मतलब मनी सप्लाई ज्यादा करना हो तो इंटरेस्ट रेट घटा दो, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग घट जाएगा, बिजनेस वगैरह लोन लेने लगेंगे, इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे। वैसे ही एक्सचेंज रेट चैनल से भी फर्क पड़ता है मनी सप्लाई के ऊपर। कैसे, देखो एक्चुअली फर्क क्या पड़ता है ना, कि डोमेस्टिक गुड्स और फॉरेन गुड्स में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, कि हम अपने गुड्स ज्यादा कंज्यूम करते हैं कि फॉरेन गुड्स ज्यादा कंज्यूम करते हैं, इस पे फर्क पड़ेगा। एक चीज देखो, एक्सचेंज रेट की वजह से अप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, हमारी करेंसी महंगा हो गया, हमारी करेंसी महंगा हो गया तो इससे होगा क्या, हमारी गुड्स महंगी हो जाएंगी और फॉरेन गुड्स सस्ते हो जाएंगे। उस केस में हम इम्पोर्ट ज्यादा करेंगे और एक्सपोर्ट कम, है कि नहीं, क्योंकि फॉरेन गुड्स सस्ते हो गए ना। सॉरी, और इस वजह से होगा क्या कि आउटपुट में कमी आ जाएगी, क्योंकि एक्सपोर्ट कम होगा इंपोर्ट ज्यादा, तो ऑब्वियसली कंट्री के आउटपुट में कमी होगी, एम्प्लॉयमेंट में कमी आएगी, ठीक। वैसे ही अगर ऑन कंट्रारी डिप्रिसिएशन हो गया हमारी डोमेस्टिक करेंसी की, कि हमारी करेंसी की वैल्यू गिर गई, फॉरेन करेंसी का बढ़ गया, तो फॉरेन गुड्स महंगा पड़ेगा हमें, और अपनी गुड्स सिंस डिप्रिसिएट हो गई तो सस्ता पड़ेगा। तो इस केस में हमारी डोमेस्टिक गुड्स का कंजम्पशन बढ़ जाता है, फॉरेन गुड्स का घट जाता है, ठीक। और एक्सपोर्ट बढ़ेगा क्योंकि हमारी गुड्स सस्ता हो गई तो विदेशों में बिकेगी, और इंपोर्ट घट जाएगा। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में आप सोचोगे होता ही नहीं है, हमारी करेंसी डेप्रिसिएट होते जा रही है बट स्टिल नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि स्टिल हमें महंगा गुड्स पड़ने के बावजूद भी हम वो एक्सपोर्ट वाले ही गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं। और एक रियल इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, पीपल आर रेशनल, अगर पीपल को सस्ता पड़ रहा है तो इस देश का गुड्स कंज्यूम करेगा। मान लो कि 80,000 में आईफोन का फोन आता है, ठीक है, अब करेंसी और यूएस का करेंसी स्ट्रांग होते गया, हमारा डिप्रिसिएट होते गया, और वो 1.5 लाख हो गया धीरे धीरे, 2-3 साल में या 1-2 साल में। अभी बिकती है इस प्राइस रेंज में तो, आई थिंक, है कि नहीं, 1.5 लाख हो गया। तब भी इंसान ये नहीं कि महंगा फोन है तो वो फोन खरीदू जो इंडिया में सस्ता पड़ रहा है, ऐसा नहीं करते वो लोग। कौन सा फोन खरीदते, यही खरीदते हैं। तो थोड़ा सा कंजम्पशन पैटर्न को हम लोग जो इकोनॉमी के कंसेप्ट है उस अनुसार करते नहीं है। क्वांटम चैनल में दो है, एक क्रेडिट एंड सेकेंड वन इज बैलेंस शीट चैनल। सॉरी, क्रेडिट चैनल में होता क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, मनी मॉनेटरी एक्सपांशन करना हो तो, कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ाना हो तो क्या करेगा, आरबीआई परचेज कर लेगा गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, है कि नहीं। आरबीआई परचेज करेगा सिक्योरिटी, आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट का सिक्योरिटी सेल परचेज करके मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करता है। ज्यादा करना हो तो परचेज कर लेगा और उसके बदले क्रेडिट इनफ्लो हो जाएगी इकोनॉमी में। वैसे ही मॉनेटरी सप्लाई को कम करना हो तो सेल कर देगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करके पैसा ले आएगा वापस मार्केट से और लिक्विडिटी को ऑब्जॉर्ब कर लेगा, है कि नहीं। वैसे ही बैलेंस शीट अप्रोच, देखो बैलेंस शीट में होता क्या है ना, अगर इंटरेस्ट रेट सरकार बढ़ा दे तो बैलेंस शीट में होगा क्या, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से बताओ क्या होगा,
डेट की फिगर, बैलेंस शीट डेटरियोरेट हो जाएगा, मतलब अच्छा नहीं दिखेगा, इंटरेस्ट लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो उस केस में इंसान क्या करेगा, सोचेगा डेट की ओर ना जाऊं, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, ऑब्लिगेशन बढ़ गया है, ठीक, और डेट जिस फॉर्म में ज्यादा होगी उस फॉर्म में इंसान नहीं पैसे लगाएगा। तो उस केस में अपने आप फॉर्म क्या करते हैं, अपना लोन एंड बोरोइंग कम कर देते हैं। तो ऐसे भी ऑपरेट करता है, अगर लोन एंड बोरोइंग कम कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। वैसे इंटरेस्ट रेट घटाएगा तो लोन एंड बोरोइंग बढ़ाएंगे और मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। अगला है एसेट प्राइसिंग। देखो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो होगा क्या, मान लो ये शेयर है एंड फॉर एग्जांपल दिस इज बॉन्ड, तो बॉन्ड पे रिटर्न बढ़ जाएगी और लोग क्या करेंगे, शेयर से पैसा निकाल के बॉन्ड में लगाने लगेंगे, ठीक। शेयर का दाम घट जाएगा, पैसा निकालोगे तो सेल करोगे शेयर को, सेल करोगे तो उसका दाम घट जाएगा, किसी भी चीज को बेचने लगो तो सेलिंग सेलर्स ज्यादा हो जाएंगे, बायर्स कम, सप्लाई ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू डिमांड, घट जाएगी तो उसका प्राइस घट जाएगा, ठीक। जब प्राइस घट जाएगा तो लोगों का वेल्थ घट जाएगा, जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है स्टॉक मार्केट में उनके पास पैसे ही नहीं होंगे कंजम्पशन करने के लिए, यही चीज को लिखा है यहाँ पे, ठीक। और इंटरेस्ट रेट वैसे ही घटा दे तो शेयर प्राइस बढ़ जाएगा, शेयर में लोग पैसे लगाने लगेंगे बॉन्ड में से, अब वेल्थ क्रिएट होगा। चलो ऑपरेशनल प्रोसीजर या इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। ऑपरेशनल प्रोसीजर मतलब डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन, पहले हमने ऑब्जेक्टिव बनाए, उसके बाद चैनल की तरीका ढूंढा कि कौन से तरीके से इंटरेस्ट रेट को कि एक्सचेंज रेट को, उसके बाद तीसरे में हम डे टू डे ऑपरेशन की इसको ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कैसे डे टू डे ऑपरेशन में इम्प्लीमेंट करें इस चीज को जो हमने तय किया है, ठीक, और क्या इंस्ट्रूमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज करें उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। चलो ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क में जब भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी में तीन चीज को ध्यान देना जरूरी है। चूजिंग ऑपरेटिंग टारगेट, पहले वो टारगेट डिसाइड कर लो करना क्या है। फॉर एग्जांपल मुझे इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो मैं चैनल डिसाइड कर लिया किस रूप से कंट्रोल करूंगा, अब टारगेट डिसाइड कर रहा हूँ इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। इसको बोलते हैं रेफर्स टू वेरिएबल दैट मॉनेटरी पॉलिसी कैन इन्फ्लुएंस विद एक्शन। जाहिर सी बात है टारगेट का मतलब वो चीज जिसको मैं मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू चेंज करने वाला हूँ, है कि नहीं, इट इज द वेरिएबल दैट इज इन्फ्लुएंस बाई मॉनेटरी पॉलिसी। दूसरा है चूजिंग इंटरमीडिएट टारगेट। इंटरमीडिएट टारगेट मतलब मेरा मेन फोकस तो वो था ऑपरेटिंग टारगेट, सेकेंडरी फोकस कि उसको चेंज होने से ऑटोमेटिक ये भी ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, दैट इज बोथ, उसको क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट टारगेट, समझ रहे हो, जो कि अचीव करने गए थे तो कुछ और, मेन ऑब्जेक्टिव कुछ और है और साथ में सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये भी अचीव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था अपना, तो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इससे इकोनॉमिक में ऑटोमेटिक स्टेबिलिटी आएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या है, ये वो ऑब्जेक्टिव है, वो टारगेट है जो इन्फ्लुएंस होगा, जैसे कि ऑपरेटिंग टारगेट चेंज हो रहा है मॉनेटरी पॉलिसी से तो ये भी चेंज होगा साथ में, समझ रहे हो। सेम चीज लिखा है, इज अ वेरिएबल विच सेंट्रल बैंक होप टू इन्फ्लुएंस रीजनेबल डिग्री। रीजनेबल मतलब थोड़ा बहुत, है ना, हमारा मेन फोकस तो है ऑपरेटिंग टारगेट, थ्रू द ऑपरेटिंग टारगेट विच प्ले प्रिडिक्टेबल एंड स्टेबल रिलेशन विद द गोल वेरिएबल, और जिसका रिलेशन है इंटरमीडिएट टारगेट का रिलेशन है ऑपरेटिंग टारगेट से। तीसरा चूजिंग द पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, की कौन से इंस्ट्रूमेंट को चूज करके ये टारगेट अचीव करेंगे। बहुत सारे मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट है, कुछ तो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है जो कि डायरेक्टली मनी सप्लाई एंड मनी क्रेडिट क्रिएशन पे फर्क पड़ते हैं कि मनी सप्लाई ज्यादा होगा या कम, कुछ इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है कि इन इंस्ट्रूमेंट में चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली मनी सप्लाई चेंज हो जाएगा। बारी बारी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़े। पहला कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, हर एक जो बैंक होते हैं ना, नेट उनकी डिमांड, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का जितने भी शेड्यूल बैंक होते हैं कुछ परसेंटेज ये आरबीआई तय करता है, उनको एज अ कैश रिजर्व रखना पड़ता है आरबीआई के पास, समझ रहे हो, कैश रिजर्व रखना पड़ता है आरबीआई के पास। अभी फिलहाल 20 सितंबर 2020 में जो अनाउंस हुआ था दैट इज तब से 3% है सीआरआर, ठीक, अगर आप नहीं रखोगे तो आपको पेनल्टी लगेगी। सारे बैंक के लिए यूनिफॉर्म है, सारे बैंक के लिए सेम रेट है, 3% रखना है तो सीआरआर अमाउंट जो है 3% का उतना रिजर्व आपको रखना ही पड़ेगा आरबीआई के पास, समझ रहे हो। चलो सीआरआर को कैसे यूज करता है बताओ, अगर मनी सप्लाई बढ़ाना हो
बढ़ाना हो, सीआरआर को कम कर देगा। सीआरआर को कम करेगा तो बैंक के पास ज्यादा पैसा रहेगा ना, आरबीआई के पास कम रखना पड़ेगा क्योंकि सीआरआर का लिमिट कम हो गया। तो बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा तो क्रेडिट ज्यादा फ्लो करेगा इकोनॉमी में। वैसे ही मनी सप्लाई को कम करना हो, सीआरआर बढ़ा देता है, यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। सीआरआर जब बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिक रिजर्व बैंक को ज्यादा रखना पड़ेगा और क्रेडिट फ्लो कम होगा इकोनॉमी में। अगला है एसएलआर। एसएलआर देखो, हर एक जो भी शेड्यूल बैंक है ना, कमर्शियल बैंक, उनको अपनी टोटल डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटी का कुछ परसेंटेज लिक्विड एसेट में रखना पड़ता है, जैसे कि कैश हो गया, गोल्ड के फॉर्म में हो गया, या फिर इन्वेस्टमेंट में भी रखना है तो अनइंकम्बर्ड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो हम बता रहे हैं अनइंकम्बर्ड कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, जनरली गवर्नमेंट की सिक्योरिटी या गवर्नमेंट के किसी चीज में पैसा लगाए हो वो, जैसे कि ट्रेजरी बिल हो गया, डेटेड सिक्योरिटी हो गया, स्टेट डेवलपमेंट लोन हो गया, ये सब चीज थोड़ा बहुत देख लेना। ये दो चार पॉइंट याद रखना, अन इनकम बट सिक्योरिटीज में क्या क्या आते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में इन फॉर्म में आपको रखना पड़ेगा कुछ अपने टोटल टाइम एंड टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का जितना भी कुछ परसेंटेज। अभी फिलहाल क्या परसेंटेज है, 20 सितंबर 2020 में 18% अनाउंस हुआ था, तो 18% आपको एसएलआर मेंटेन रखना पड़ेगा। अब एसएलआर मेंटेन रखे हो तो वो चीज तो पैसा आज लोन तुम दे नहीं सकते, बैंक जो एसएलआर रखा है वो एज अ लोन तो बांट नहीं सकता ना लोगों में। तो एसएलआर को अगर बढ़ाएगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी देश में, क्रेडिट फ्लो कम हो जाएगा। एसएलआर अगर लिमिट घटा देगा आरबीआई तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही एसएलआर को चेंज करके मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करता रहता है। ये यहाँ पे लिखा है कि एसएलआर को कैसे चेंज करके, हायर द एसएलआर लोअर विल बी क्रेडिट क्रिएशन ऑफ द बैंक एंड वाइस वर्सा। सेम चीज को मैंने लिखा है, एक्सप्लेन किया है, देख लेना। लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF। देखो, जो भी बैंक वगैरह है ना, वो आरबीआई से जरूरत पड़ने पे पैसे ले सकते हैं। इस फैसिलिटी को बोलते हैं लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये ऑपरेशन कभी कभी आरबीआई भी इनसे लेता है कमर्शियल बैंक में जरूरत पड़ने पे। ये कैसे फंक्शन करता है, तो दो तरीकों से, रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो ऑपरेशन, रेट जो होता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट या फिर रेपो रेट। पर रेपो होता क्या है जरा बताओ मेरे को। इधर देखो, मान लो बैंकों को पैसे की जरूरत है, मान लो किसी बैंक को पैसे की जरूरत है, आरबीआई पता है कैसे पैसा देता है उसको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं, यहाँ बैंक हो गया आरबीआई, पैसे की जरूरत है ना, ये लो पैसा मनी, बदले में आरबीआई लेता है सिक्योरिटीज। जब जरूरत खत्म हो गई आफ्टर सर्टेन पीरियड, तब क्या होगा, बैंक पैसा लौटा देगा आरबीआई को और साथ में आरबीआई उसका सिक्योरिटीज लौटा देगा, बस कुछ चार्जेस काट के, ठीक है। लेते टाइम सिक्योरिटी अलग रेट पे लिया, देते टाइम अलग रेट पे दिया, इसमें आरबीआई कुछ चार्जेस काट लेता है, ठीक। जो रेट से काटता है उसको बोलते हैं रेपो रेट और इस पूरी ऑपरेशन को बोलते हैं रेपो। रेपो मतलब रीपर्चेज ऑप्शन। देखो, पहले सिक्योरिटी बेचा उसी को वापस से रीपर्चेज किया, इसीलिए इसका नाम है रेपो। रिवर्स रेपो रिवर्स रेपो में होता क्या है, अब आरबीआई को पैसे की जरूरत है तो फॉर एग्जाम्पल बैंक भी वैसे ही देते हैं, आरबीआई को पैसा दिया, बदले में आरबीआई सिक्योरिटी इश्यू करता है, ठीक, सिक्योर्ड लोन की तरह मान लो, और बाद में जब आरबीआई को रिटर्न करना हो तो पैसा आरबीआई रिटर्न कर देगा और कमर्शियल बैंक कुछ चार्जेस काट के सिक्योरिटी रिटर्न कर देते हैं, ठीक। ऑपरेशन को बोलते हैं रिवर्स रेपो और जिस रेट से वो डिडक्ट करते हैं उस अमाउंट पे उसको बोलते हैं क्या, रिवर्स रेपो रेट। ऐसे आरबीआई पैसा को इंजेक्ट या फिर निकालता है एक बैंक से, ठीक। कई बार बैंकों की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई ऐसे मदद करता है रेपो रेट पे पैसा देके, या फिर आरबीआई को जरूरत पड़ती है तो बैंक उसको रिवर्स रेपो रेट पे पैसा देते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। देखो, मान लो एक तो रेपो रेट पे बैंक के पास ऑप्शन है आरबीआई से पैसा लेना, फॉर एग्जाम्पल वो लेने के बावजूद बैंक को पैसे की जरूरत है, ओवर एंड अबव लिक्विड जो हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, आ जाओ लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इससे भी बैंक की वो जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है तो आता है ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये ओवर एंड अबव LAF है। जनरली ये क्या होता है, 1 करोड़ या उसके मल्टीपल में मिलता है, ठीक। 1 करोड़ ले लो, 2 करोड़ ले लो, मल्टीपल में, ये नहीं कि 50 लाख का, ऐसे नहीं मिलता, ठीक। चलो थोड़ा बहुत इसका मीनिंग पढ़ लेना,
ये है, बोरो कर सकते हैं ऑल वर्किंग डे एक्सेप्ट सैटरडे, है कि नहीं, बिटवीन ये टाइम दिया हुआ है। और इसका जो इंटरेस्ट रेट है ऑब्वियसली रेपो रेट से ज्यादा होगा, बैंक रेपो रेट पे लोन ले रहा था, अब ये एडिशनल लोन है तो इसका थोड़ा इंटरेस्ट रेट रेपो रेट से ज्यादा होता है। इंटरेस्ट रेट इसका जो होता है ना वो लिंक्ड होता है बैंक रेट से, बैंक रेट प्लस 2%, बैंक रेट प्लस 1%, ऐसे है फॉर एग्जाम्पल। तो बैंक रेट चेंज होता रहता है, तो ये भी रेट, मान लो मैंने बोला ये रेट होगा, सपोज मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अभी ये रेट क्या है 1%, बैंक रेट में 1% जोड़ के ये रेट बनता है, तो बैंक रेट जैसे जैसे चेंज होगा ये भी चेंज होता रहेगा। अगला है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। देखो जो आरबीआई है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनमें एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि जब भी अगर इकोनॉमी में ह्यूज अमाउंट एक बार में इंजेक्ट होगा पैसा, मान लो फॉरेन से विदेशी पैसा आया इकोनॉमी में इन्वेस्ट होने के लिए ह्यूज अमाउंट, तो उस समय क्या होगा, एक बैग से मार्केट में पैसा सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो उस समय के लिए एक अंडरस्टैंडिंग है आरबीआई में और सेंट्रल बैंक में, क्या अंडरस्टैंडिंग है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो करेगा आरबीआई से, सच बोरोइंग बींग एडिशनल टू नॉर्मल बोरोइंग, नॉर्मल जो बोरोइंग करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उससे ज्यादा, सिंस इकोनॉमी में एक बैग से ज्यादा पैसा इंजेक्ट हुआ है ना। और बदले में क्या इश्यू करेगा, अपना ट्रेजरी बिल या डेटेड सिक्योरिटी, इससे होगा क्या, एक्सेस लिक्विडिटी ऑब्जर्व कर लेगा मार्केट से, जो कि एक लार्ज कैपिटल से आया है, और लिक्विडिटी ऑब्जर्व कर लेगा तो मार्केट में थोड़ी पैसे बचेंगे नहीं, ठीक है। एक बैग से लार्ज, ऐसे होता क्या है ना, एक बैग से लार्ज कैपिटल इनफ्लो होगा, सर्कुलेशन बढ़ जाएगी, तो इन्फ्लेशन पे बहुत हाई रेट से फर्क पड़ता है, ठीक है। बैंक रेट ये वो रेट है जिस रेट से आरबीआई क्या करता है, रिजर्व बैंक बाई और डिस्काउंट कर देता है बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया या कमर्शियल पेपर हो गया, ठीक। वंस टाइम इट यूज्ड टू बी पॉलिसी रेट इन इंडिया, ये उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी बैंक रेट फिलहाल पेनल रेट के रूप में यूज होता है कि सीआरआर या फिर एसएलआर आप नहीं मेंटेन करें तो जो पेनल्टी लगती है वो बैंक रेट उसके काम बस आता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन वही है कि आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट का सिक्योरिटी क्या करता है, बाई एंड सेल करता है कि नहीं, मार्केट से लिक्विडिटी ऑब्जर्व या फिर इंजेक्ट करने के लिए, समझ रहे हो, ऑब्जर्व करना हो तो सेल करके, सिक्योरिटी सेल करके पैसा उठा लेगा, लिक्विडिटी देना हो, क्रेडिट देना हो, मनी सप्लाई देना हो तो बाई करके पैसे इंजेक्ट कर देगा, सेम चीज यहां लिखा है कि सेल करके लिक्विडिटी ऑब्जर्व करता है और बाई करके लिक्विडिटी डालता है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। सिंपल सिंपल है, बस लॉजिक समझो, पूरी चैप्टर में एक ही चीज पढ़ रहे हो कि आरबीआई को मनी सप्लाई बढ़ाना हो, मनी सप्लाई बोलो, क्रेडिट बोलो, लिक्विडिटी बोलो, सेम, बढ़ाना हो तो क्या करेगा, घटाना हो तो क्या करेगा, करने के बहुत सारे तरीके, कुछ चैनल्स थे, कुछ इंस्ट्रूमेंट थे, है कि नहीं, यही पढ़े हैं पूरी चैप्टर में। चलो आगे देखो। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, देखो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट है किसके बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व, जो आरबीआई है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। ये स्पेशली इस एग्रीमेंट में ये है ना कि जो भी टोलरेबल हम एक फिक्स कर लेंगे इन्फ्लेशन, और उन इन्फ्लेशन को कैसे अचीव करना है कि इन्फ्लेशन उससे ज्यादा ना हो, इसको मतलब मेंटेन रखने के लिए ये एग्रीमेंट बना है, ठीक। इसमें होता क्या है, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। फ्लेक्सिबल क्यों, एक तो इन्फ्लेशन टारगेट करते हैं कि हमें इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए देश के अंदर, आप सुने होंगे कि कभी अनाउंस होता है कि इतने साल से इतने साल के लिए हम इन्फ्लेशन के टारगेट ये रखें, जैसे कि 2016 से 2021 के लिए अनाउंस हुआ था 4%। हमेशा फ्लेक्सिबल क्यों मैं बोल रहा था, क्योंकि अपर एंड लोअर लिमिट दिया होता है, एग्जैक्ट 4% तो अचीव नहीं होगा, कोशिश करेंगे कि बढ़ ज्यादा हो 4 से तो थोड़ा, मैक्सिमम 6 यानी कि 2 अपर लिमिट है, एंड मिनिमम 2 यानी कि घटा 4 से तो 2 से कम ना घटे। क्यों, 2 से कम घटने का मतलब है इन्फ्लेशन बहुत कम होना, यानी कि कंट्री में ग्रोथ नहीं हुई थी तभी इन्फ्लेशन इतना कम हुआ, इन्फ्लेशन बहुत कम होने का मतलब मार्केट में पैसा ही नहीं था, तो पैसा नहीं हुआ तो ग्रोथ कैसे होगा। तो सिंस इसी को बोलते हैं फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। फ्लेक्सिबल है, थोड़ा अपर लिमिट थोड़ा लोअर लिमिट दिया हुआ है, ठीक। ये वंस इन अ 5 ईयर अनाउंस होता है, जैसे देखो 2016 से 21 तक के लिए अनाउंस हुआ था, है कि नहीं।
चलो आरबीआई देखो पब्लिश करता है मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में हर एक 6 महीने पे, क्या पॉलिश करता है, पब्लिश करता है एक्सप्लेनिंग द सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कहाँ से बढ़ रहा है, दूसरा इन्फ्लेशन अगले पीरियड में कितना होने वाला है आगे 6 महीने के लिए, फोरकास्टेड इन्फ्लेशन, यही चीज है ठीक है। अगला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, थोड़ा देख लेना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो भी था मैंने लगभग सब पढ़ा दिया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देखो आरबीआई एक्ट के अंदर ये कमेटी बनी हुई है ठीक, यहाँ पे ऊपर ये चीज लिखा भी हुआ होगा कि आरबीआई एक्ट जो है उसके अंतर्गत सेटअप हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इस कमेटी के मेंबर कौन होते हैं, तो एक तो आरबीआई का गवर्नर चेयरपर्सन होते हैं, डिप्यूटी गवर्नर होते हैं इंचार्ज, और वन ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाय आरबीआई बोर्ड, आरबीआई बोर्ड एक नॉमिनेटेड मेंबर को रखता है, और 3 मेंबर जो होते हैं थ्री सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी, वो नॉमिनेट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि किसी ना किसी एरिया की एक्सपर्टाइज नॉलेज रखते हैं ठीक। इस कमेटी का क्या है, टू डिटरमाइन द पॉलिसी रेट व्हिच इज रिक्वायर्ड, पॉलिसी रेट का मतलब अभी फिलहाल जो पॉलिसी रेट है इंडिया का वही, उसको रेपो रेट आप मान के चलो रेपो रेट, और ये रेट इसलिए ये डिटरमाइन करते हैं कि इसी को यूज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, क्यों रेट को यूज करते हैं ना मार्केट में पैसा डालने के लिए, इंजेक्ट करने के लिए या फिर अब्जॉर्ब करने के लिए। याद है रेपो कैसे कर रहे थे कि कमर्शियल बैंक को पैसे देने हो तो रेपो रेट यूज कर रहे थे, रेपो ऑपरेशन यूज कर रहे थे, समझ में आ रहा है। और ये कैसे जो पॉलिसी रेट है रेपो रेट है इंडिया का वो कैसे तय होता है, जरा इस कमिटी से देखो। अकॉर्डिंगली फिक्सिंग द बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट जिसको रेपो रेट हम बोल रहे हैं फिलहाल, इज मेड थ्रू डिबेट एंड मेजोरिटी वोट बाय द पैनल ऑफ एक्सपर्ट, डिबेट के थ्रू बात विवाद करके और जो मेजोरिटी वोट पड़ती है ना वो रेट को अनाउंस करते हैं ठीक। और ये तो लास्ट वाला है कि हाँ इसको अनाउंस करने के लिए आरबीआई जो एक सिस्टम को फॉलो करता है कि डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज होना चाहिए, सब अलग अलग किस्म का व्यूज को कम्बिनेशन करके देखेंगे, स्पेशलाइज एक्सपीरियंस होनी चाहिए, जिस इंसान को रखे हैं वो पर्टिकुलर फील्ड का उस फील्ड का एक्सपर्टाइज होनी चाहिए ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, छोटा मोटा चीज है आप देख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत रीडिंग कर लेना चैप्टर का। जो मेन मेन पॉइंट था कि पूरी चैप्टर में आपको ध्यान देना है आरबीआई कैसे मनी सप्लाई को बढ़ाता है या घटाता है, चैनल के बारे में याद रखना एंड इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा बहुत याद रखना ठीक है, और वो जो एग्रीमेंट था आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो भी थोड़ा याद रखना। चलो।